अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, यूनिट नंबर 1 फिज़िकल क्वांटिटीज़ एंड मेजरमेंट, टॉपिक फिज़िकल क्वांटिटीज़। फिज़िकल क्वांटिटीज़ हमारे पास ऐसी क्वांटिटीज़ होती हैं जो कि मेजरेबल होती हैं। मेजरेबल क्वांटिटीज़ में हमारे पास कौन सी क्वांटिटीज़ आ जाती हैं, उसमें हमारे पास है लेंथ, मास, टाइम एंड टेम्परेचर। फिज़िकल क्वांटिटीज़ को जब भी मेजर किया जाता है, ये न्यूमेरिकल वैल्यू में होती हैं। तो न्यूमेरिकल वैल्यू के हम एग्जांपल किस तरह लेंगे, एक स्टूडेंट है, उसकी हाइट 104 सेंटीमीटर है। फिज़िकल क्वांटिटी जब भी हम लिखते हैं, चाहे वो लेंथ में है, मास, टाइम, टेम्परेचर है, ये 2 इसकी कैटेगरीज होती हैं। फर्स्ट कैटेगरी को कहते हैं न्यूमेरिकल वैल्यू या फिर न्यूमेरिकल मैग्नीट्यूड। सेंटीमीटर ये इसका क्या है, यूनिट। ये रिप्रेजेंट करता है कि आप इस क्वांटिटी को या फिर इस चीज़ को किस में मेजर कर रहे हैं। 104 इसमें न्यूमेरिकल वैल्यू है, न्यूमेरिकल मैग्नीट्यूड, एंड सेंटीमीटर इज़ इट्स यूनिट। इसी तरह अगर मास है, मास हम कह रहे हैं कि 5 kg है, 5 न्यूमेरिकल मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करता है, kg इसके यूनिट को रिप्रेजेंट करता है। टाइम 10 मिनट या फिर 10 सेकेंड, 10 इसकी न्यूमेरिकल मैग्नीट्यूड, सेकेंड इसकी यूनिट है। इसी तरह टेम्परेचर में 5 केल्विन। फिज़िकल क्वांटिटी को इसी तरह से लिखते हैं, एक न्यूमेरिकल वैल्यू इसमें होती है और एक इसमें यूनिट होता है, न्यूमेरिकल मैग्नीट्यूड एंड यूनिट। अब फिज़िकल क्वांटिटीज़ की बेसिक इसकी 2 टाइप्स हैं, बेस क्वांटिटी एंड ड्राइव्ड क्वांटिटी। बेस क्वांटिटीज़ कौन सी क्वांटिटीज़ होती हैं, बेस क्वांटिटीज़ ऐसी क्वांटिटीज़ जो कि फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज़ होती हैं। अब हमने कह दिया कि फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ हर मेजरेबल वैल्यू को या फिर न्यूमेरिकल वैल्यू को आप क्या कहेंगे कि वो फ़िज़िकल क्वांटिटी है। जितनी भी क्वांटिटीज़ हैं जो कि मेजरेबल होती हैं वो फ़िज़िकल में आती हैं, लेकिन हम इसको 2 कैटेगरीज में डिवाइड करेंगे, बेस एंड ड्राइव्ड क्वांटिटी। बेस क्वांटिटी जो होती हैं वो बेसिक क्वांटिटीज़ होती हैं जो कि 7 हैं। बेस क्वांटिटीज़ की जो अमाउंट है वो 7 है। इनमें है लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, इंटेंसिटी ऑफ लाइट एंड अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। ये बेसिक जो हैं हमारे पास बेस क्वांटिटीज़ हैं, इन्हीं को यूज़ करते हुए जो क्वांटिटीज़ बनाई जाती हैं, जो इस्तेमाल की जाती हैं, उसे हम ड्राइव क्वांटिटीज़ कहते हैं। ड्राइव का मतलब होता है वो चीज़ जो किसी दूसरे से निकाली गई हो, दूसरे से अख्ज की गई हो, ड्राइव ऐसे ही अमाउंट को कहते हैं। ड्राइव क्वांटिटीज़ वो होती हैं जो कि बेस की ही टर्मिनोलॉजीज़ को यूज़ करते हुए अपने आप को रिप्रेजेंट करती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे बेस क्वांटिटीज़ तो बेसिक 7 ही हैं, लेकिन जो ड्राइव क्वांटिटीज़ हैं वो हमारे पास यहाँ पे बहुत सारी बन सकती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल एरिया, वॉल्यूम, स्पीड, फोर्स, पावर, एनर्जी, या फिर फिज़िक्स में जितनी भी टर्मिनोलॉजीज़ यूज़ होती हैं वो सारी की सारी ड्राइव क्वांटिटी से बिलोंग कर रही होती है, और बेसिक जो हैं वो बेस क्वांटिटी से ही निकलते हैं।
फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे जो एरिया है या वॉल्यूम है, एरिया में जो टर्मिनोलॉजी यूज़ होती है वो इसका फॉर्मूला होता है एरिया इज़ इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ। ये एरिया किससे बिलोंग कर रहा है? लेंथ से। वॉल्यूम किससे बिलोंग कर रहा है? लेंथ से। स्पीड जो है वो क्या है? स्पीड होती है डिस्टेंस कवर करना टाइम के लिहाज से। तो इट मीन्स के जो स्पीड है वो किससे ड्राइव की गई है, वो बेसिक टर्मिनोलॉजीज यूज़ करती है टाइम के। इसी तरह फोर्स, पावर, एनर्जी, इनके लिए क्या रिक्वायर होता है? इनके लिए इंटेंसिटी ऑफ लाइट या फिर इनके लिए टाइम रिक्वायर होता है। इसी तरह अगर हम कहेंगे कि इलेक्ट्रिक चार्ज, तो इलेक्ट्रिक चार्ज है ये जितनी रेजिस्टेंस है, करंट है, ये सारी की सारी इलेक्ट्रिक करंट से रिप्रेजेंट कर रही होती हैं। ये ड्राइव क्वांटिटीज बहुत सारी अमाउंट में, ये सारी किससे ड्राइव की जाती हैं? बेसिक बेस टर्म से। इन्हीं को यूज़ करते हुए इनको रिप्रेजेंट किया जाता है।